नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कई बड़े राजनीतिक चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें से एक है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश वड़गाम से विधायक हैं और फिलहाल कांग्रेस के गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चुनाव लड़ने से पहले से ही वो समाज और खासकर दलितों के लिए काम करते रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से विधायक का चुनाव भी जीता था। वो गुजरात के एक बड़े दलित चेहरा है और इस बार के चुनाव में भी लोगों की उन पर नजर रहेगी। जिग्नेश मेवानी का जन्म 11 दिसंबर 1980 को गुजरात के महसाना में हुआ था। उनके पिता नगर निगम में काम करते थे। उन्होंने अहमदाबाद का दलित बहुल क्षेत्र मेघानी नगर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और लोगों के लिए काम किया। जिग्नेश ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर गुजरात में दलित अस्मिता यात्रा भी निकाली थी। उन्होंने 20,000 दलितों को एक साथ मैला नहीं ढोने और मरे जानवर नहीं उठाने को लेकर शपथ दिलाई थी। समाज सेवक बनने से पहले उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद लॉ कॉलेज से भी डिग्री ली और गुजरात हाई कोर्ट के वकील बने। उन्होंने समय समय पर गुजरात में कई संगठनों में शामिल होकर दंगा पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी। इसी के बीच यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो आपको बतानी बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बने नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिग्नेश मेवानी को लेकर एक नई अपडेट दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा जिग्नेश मेवानी गुजरात में हो सकते हैं। गुजरात में जिग्नेश मेवानी का चेहरा सीएम के तौर पर उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जिग्नेश मेवानी का समाज सेवक काम और उनकी पढ़ाई को देखकर यहाँ गुजरात में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जिग्नेश मेवानी के पास यहाँ पर दलित का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। जिग्नेश मेवानी को यहाँ उतार कर कितना फायदा कांग्रेस लेकर जाएगी ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो जिग्नेश मेवानी है वो दलित समाज से हैं और यहाँ दलितों का पूरा वोट बैंक कांग्रेस के पास आ सकता है। क्या यहाँ पर जिग्नेश मेवानी पर इसीलिए दांव खेला जा रहा है क्योंकि यहाँ दलितों को वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार जिग्नेश के चेहरे पर दांव खेलकर कांग्रेस कहां तक जाएगी। फिलहाल के लिए इतने, फिर आपसे मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।